हांडी का किला है भाई दोस्तों, से उतर रहे हैं, सब जने उतर गए हैं। फिर अभी महादेव जी के मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामेश्वर मंदिर जमखंडी, रामेश्वर मंदिर जमखंडी यहां दर्शन के लिए आए हैं। अभी आप सभी दोस्तों को दर्शन कराएंगे। ये मंदिर है, अभी जाएंगे इधर से। अभी प्रसाद ले रहे हैं, नारियल। आज नागपंचमी है इसलिए बहुत भीड़ है इधर, श्रद्धालु बहुत आए हुए हैं। ये देखो अभी प्रसाद ले रहे हैं हमारे दोस्त लोग। ये मनसा राम जी अभी प्रसाद ले रहे हैं, नारियल लेंगे। ये वर्ड वर्क्स है, वर्ड का वर्क्स है, बहुत पुराना, 20-30 साल पुराना है। बहुत भीड़ है आज मंदिर के अंदर, नागपंचमी है ना इसलिए बहुत भीड़ है। हर हर महादेव। आज महादेव जी के दर्शन के लिए आए थे, रामेश्वर महादेव जी जमखंडी। बहुत भीड़ है अभी सुबह सुबह में। अभी दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं, इतनी लाइन है, एक आधा किलोमीटर तक लाइन है। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ लगी हुई है, एक आधा किलोमीटर तक लाइन में खड़े थे हम। अभी आधा घंटा हो गया है लाइन में खड़े हैं। ये माँ देवी जी का मंदिर है। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, ये बहुत भीड़ है। दोस्तों कर्नाटक में पहला सोमवार है और हमारा तीसरा सोमवार है। इनका क्या है, अमावस्या से श्रावण लगता है और हमारा पूर्णिमा से लगता है। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, मंदिर। दोस्तों ये देखो कितना सुंदर मंदिर है महादेव जी का, रामेश्वर महादेव जी का मंदिर है, कितना सुंदर है। पहले से बना हुआ है, इतना सुंदर मंदिर है। आज यहाँ क्या है, कर्नाटक में ये पहला सोमवार है। पहला सोमवार है इसलिए बहुत भीड़ है। देखो दोस्तों बहुत सुंदर मंदिर है।
हर हर शंभू का तिलक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारियल की जय, नारियल का तिलक पूरी। या पानी के अंदर मछली है, देखो दोस्तों। ये रामेश्वर मंदिर है, ये वड़ वृक्ष है, ये बहुत पुराना वृक्ष है, कोई 15-20 साल पहले का वृक्ष है ये। पेड़ को फेरी लगा रहे हैं अभी। सुंदर साधक हर हर महादेव। जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और महादेव जी के दर्शन करके बहुत सुंदर लगा, और आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइए। बावड़ी है, पानी की बावड़ी। पहले ज़माने में यह सब पानी इकट्ठा होता था, और अभी पे पानी इकट्ठा हो रहा है इधर और इधर दोनों साइड। इतने सुंदर सुंदर है, ये देखिए इतना सुंदर है। अभी जा रहे हैं, यहाँ एक किला है, किला देखने के लिए, और आपको भी बताएंगे किला कैसा है। ये किला है सुंदर सा, ये देखो ऊपर जा रहे हैं अभी। ये दोस्त लोग जा रहे हैं, इधर पानी इतना सुंदर है। इधर किला है, ये जमखंडी का किला है। सुंदर बना हुआ है, ये सब दोस्त लोग हमारे खड़े हैं। ये मनसाराम जी, सुंदर सा व्यू है, इतना सुंदर व्यू है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं अच्छे अच्छे बताता रहूँगा आपको। मंडी का किला है, कितना सुंदर बना हुआ है पहले का, आज से कोई 50 साल पहले बना हुआ था ये। सौ साल से ऊपर हो गया है बन के। ये देखो पहले कैसे, अभी क्या है, खराब होने को आ गए हैं। देख रेख नहीं है ना, इसलिए सब खराब हो रहा है। इतना सुंदर है,
मंदिर है राइट थोड़ी है ना किलो लोग है किलो लोग बड़े आनंद बड़े बड़े बने हुए हैं। ये देखो दोस्तों पहाड़ के ऊपर है पूरा मंदिर और किला है जमखंडी का पहाड़ के ऊपर। ये देखो दोस्तों अभी पहाड़ के ऊपर से नीचे जा रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल है देखो। ये गुलाबी और पीले इतने सुंदर सुंदर फूल है। गार्डन बहुत अच्छा है सुंदर है इतना। अभी जा रहे हैं नीचे फिर कार में बैठेंगे। कार में बैठ के फिर मुदोल जाएंगे। मुदोल से 15-18 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ आए थे महादेव जी के दर्शन के लिए। आज सोमवार है ना इसलिए। और मंदिर इतना सुंदर व्यू है। ये पूरा गांव है जमखंडी। अभी महादेव जी का मंदिर आएगा वहाँ दर्शन करवाएंगे। दोस्तों यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये कॉलेज है और दोस्तों दर्शन कर लिया है फिर वापस आ गए हैं। अभी कार के अंदर बैठेंगे फिर वापस गांव जाएंगे। यहाँ से 18 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ दर्शन करके कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए।